शादी मैं नहीं देख सकती, नहीं देखना चाहती, पर फाइनली उसकी शादी कैंसिल हो गई. जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, लेकिन अपना पति जो मेरा पति है वो किसी और का पति नहीं बन रहा है, मेरा ही पति बन रहा है, तो आई एम हैप्पी. अभी आपको बेहोश करके क्यों लाया जा रहा है मतलब? एक्चुअली मैं बेहोश हूँ नहीं, मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ कि मैं बेहोश हूँ. और मंजू और श्वेता को लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे बेहोश किया है, क्योंकि वो लोग फोर्सफुली शादी करवाना चाहते हैं मेरी रवि से, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी मॉम भी यही चाहती है, पूरा प्लान है. तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ बेहोश होने का, बट इस चक्कर में मेरा सब कॉस्ट्यूम और मेरी सब ज्वेलरी इधर उधर मुझे खुद ही लग रही है, बट इट्स ओके. और रवि से प्यार की बात की जाए तो अभी प्यार तो है, दिल से प्यार अभी भी करती हूँ, लेकिन मैं शायद खुद भी नहीं जानती कि मेरी खुशी उसके साथ रहने में ही है, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं हम दोनों के बीच में, और जब रिश्तों के बीच में गलतफहमियाँ आ जाती हैं तो वो रिश्ते टूट जाते हैं. तो हमारा रिश्ता भी ऐसे बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, बट आई एम श्योर सब ठीक है. मतलब शादी से सब कुछ ठीक होने वाला है आगे, हम ये समझ रहे हैं. आई डोंट नो, आप लोग देखो, मैं भी देख रही हूँ राइटर्स क्या चाहते हैं रवि और देविका के बीच. थैंक यू.